12 घंटे इसको मैंने भिगो के रखा था और ये अब ऐसे हो गया है। कल जो एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, कल नहीं शायद आज ही करी है मैंने एक वीडियो, उसमें मैंने हार्ट जो ग्लेज थे जो मतलब नॉन एडिबल है वो मैंने भिगो के रखे थे। ये जो था ये सेम वही क्ले है जो मैंने रात भर भिगो के रखा है। लेट्स सी वो कितना सॉफ्ट हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ पीसेस नहीं हुए हैं सॉफ्ट। लुक एट दिस, ये अभी भी काफ़ी हार्ड है, ये देखो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये वेस्ट है, वेस्ट ऑफ है, ये नॉन एडिबल है। कुछ क्ले हो जाते हैं सॉफ्ट, लेकिन फिर फ़ायदा क्या ऐसे क्लेज का? क्रंच जो होता है वो मिलता नहीं है ऐसे क्लेज में। ये हो चुका है, लुक एट दिस, पिघल गया। अब ये क्ले हो चुका है सॉफ्ट, अच्छे से पूरा मिक्स हो चुका है, ये देखो। इसका तो पेस्ट हो गया, ये देखो। अब ये क्ले कैसे खाओगे? तो ये कैसे खाया जा सकता है कि स्लेट पेंसिल के साथ इसका पेस्ट बना लो, ये देखो ये भी गया है। स्लेट पेंसिल्स के साथ आप इसका पेस्ट खा सकते हो। रेड और जो क्ले पॉट है उसके साथ, या जो पंजाब की मिट्टी है उसके साथ। तो इसका आपको सीधे छुरा कर लेना है और आप इसको ऐसे ही खा सकते हो। देखो, स्मेल्स ऑसम, वेरी नाइस। क्योंकि ये रोस्टेड है तो और अच्छा स्मेल आता है नॉन रोस्टेड से ज़्यादा। इसको और एक ऑप्शन दूँ तो इसको छान लो अच्छे से, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर आप अच्छे से छान लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर ये वाला आप पेस्ट के साथ अच्छे से खा सकते हो। अब इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये कैसे ही भी खाएंगे, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। क्रंची पीसेस आप खा सकते हो, और मैंने कल के वीडियो में दिखाया भी था कि मेरे पास कितना पड़ा है, कितना सारा, 3-4 किलो आराम से। मैं सेलर्स को दोष नहीं दे रही हूँ कि वो नॉन एडिबल देते हैं, लेकिन हर किलो के पीछे अगर 300-400 ग्राम अगर आपका नॉन एडिबल है तो आप सोचो 2 किलो में क्या ही बचा। 2 किलो में मुझे 1.5 किलो तक अच्छा नहीं मिला है, मतलब आप 700-800 ग्राम मुझे नॉन एडिबल मिला है, एंड 1 kg प्लस कुछ 200-300 ग्राम अच्छा मिला है। अब आप मुझे सोचो, उसमें भी डस्ट होती है, बहुत सारे हार्ड पीसेस, स्टोन पीसेस, वो सब निकालने के बाद 1 किलो बचता है ठीक ठाक। उसमें भी कुछ छोटे चंक्स होते हैं जो हार्ड होते हैं खाने में, एडिबल होते हैं लेकिन बहुत हार्ड होते हैं, दांत खराब हो जाते हैं सीधे सीधे। बड़े पीसेस होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ बड़े पीसेस होते हैं वो भी हार्ड होते हैं, उनको बहुत चबा के ये करना पड़ता है। क्या होता है कुछ लोग कि बटर ग्रेट टीथ को बहुत स्टिक करता है, इसलिए ओवर उसको रोस्ट कर देते हैं, उस चक्कर में बहुत हार्ड हो जाता है वो, बहुत ज़्यादा हार्ड। अब ये देखो, ये आप कैसे ही खाओगे मुझे बताओ। ये सारा नॉन एडिबल है और ये निकला है 2.5 किलो के इसमें, मतलब ये तकरीबन 1 kg के ज़्यादा है। देख लो ये पीसेस, आपको लगते हैं कि ये नॉन एडिबल होंगे? सेम पीस है कल के जैसा, बट ये नॉन एडिबल है, यू कांट ईट। देखो कितने बड़े चंक्स हैं, ये आप नहीं खा सकते हैं, ये खा ही नहीं सकते, इतना हार्ड पीस है। और ऐसे कितने हैं आप देख लो। अब ये चंक्स देख के आपको लग रहा है कि ये नॉन एडिबल पीसेस है, लग रहा है ये? अगर आपको ऐसे कोई फ़ोटो में दिखा दे, ये तो धोखाधड़ी हुई है मेरे साथ, बट ठीक है, फ़ोटो में ऐसे दिखा दे कि ये देखो ऐसा भटक रहे है, भेज दो। मैंने बोला भेज दो, अब किसको पता कि ये बड़े वाले जो पीसेस है ये सारे नॉन एडिबल है। लुक एट दिस, खा सकते हो इसको। अब इसको वापस पानी में डालो, ये सब दोबारा से करो, तब तक मूड चला जाता है पूरा और वो टेस्ट आती भी नहीं। ऊपर से डस्ट देख रहे हो आप, कितनी डस्ट है, डस्ट देख रहे हो आप, देख लो। सेलर का अगर मैं यहाँ पे, इस सेलर का अगर मैं यहाँ पे नाम ले लूँ ना तो मुसीबत ही हो जाएगी उसके लिए स्पेशली। अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि एक बार दो बार के बाद आपको सही से क्ले भेजने चाहिए कस्टमर्स को, क्योंकि फ्री में तो नहीं ले रहे, जो प्राइस आप बोल रहे हो हम उसी प्राइस में ले रहे हैं। लुक एट दिस, अब ये क्लेज खाने लायक है और कितने सारे हैं देखो।
डस्ट की तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब खतरनाक वाला डस्ट। अभी ये खिले, लग रहा है ये खा सकते हो। इम्पॉसिबल है इसको ऐसे तोड़ के खाना। सी डस्ट, ये इतनी डस्ट है, क्या करोगे ऐसे क्लेज का, आप क्या करोगे। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, बट अब मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया है, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। इस पूरे क्लेज में एक भी चंक नहीं है जो मैं उठा के खा सकती, एक भी नहीं। ये जो इतना छोटा क्ले है, देखो, खा नहीं सकते आप। नॉन एडिबल कम्प्लीटली। सी, एक एक चंक मैंने ट्राई करा हुआ, एक 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 भी मिल जाए तो कसम से, सीरियसली। इनफैक्ट इतने छोटे छोटे हैं फिर भी नहीं खा सकते, इतने हार्ड है, इतने हार्ड है ये। देखो कैसे खाओगे ये, मुझे बताओ। मतलब इनको इतने पैसे बर्बाद करो। ये मैंने 280 में लिया था, 280 kg। इमेजिन, 280 kg में मुझे ये मिला है जो एडिबल थे। ठीक है, बाकी का क्या। सेलर का नाम डालने में कुछ नहीं, लेकिन बाद में जो बवाल होता है ना, वो मुझे नहीं चाहिए होता है। और इसका फ़ायदा जो है ना, दूसरे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे से उठाना जानते हैं। तो जो मुझे ये ठीक है, एक जो दूसरे यूट्यूबर्स है ना, वो उसका फ़ायदा अच्छे से उठाना जानते हैं कि इसने आपका नाम ले लिया, उसने आपका नाम लिया, तो विच इज़ रियली नॉट गुड। अब अगर सेलर को समझ ही नहीं आती बात की, अगर हम बता रहे हो और सेलर समझ नहीं पा रहे, या फिर उनको समझना नहीं है, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर जानबूझ के कोई समझना नहीं चाहता, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। एनीवेज, कोई ऑप्शन नहीं है मुझे, मुझे यही सब करना पड़ता है। और ये पेस्ट फिर स्लेट के साथ या फिर पॉट्स के साथ ही जाता है। पंजाब की मिट्टी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी लास्ट टाइम जो मैंने ट्राई की थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ये भी ऐसे ही ट्राई करूँगी। सोच रही हूँ इसको छान के सीव करके, एक मैंने वीडियो डाली थी सीविंग की, आपको याद होगी, इसको सीव करके मैं सीधा डाल दूँ। अब देखो ये टूट तो गया, लेकिन ये खाने लायक नहीं है, बहुत ख़राब लगता है ये। अब ये क्ले है क्या, बताओ, इज इट क्ले? नो। तो जो मैंने डाला था सीव करके, तो इसको भी मैं सीव करूँगी और उसको सीधे एक पतीले में डाल के सारे इसमें पानी डाल दूँगी। और कुछ नहीं कर सकती मैं इसमें, कुछ ऑप्शन है ही नहीं करने लायक। क्या ही करें, वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो कितने सारे पत्थर मैंने निकाले हैं, ऐसा कचरा तो मैंने बहुत सारा निकाला है। ये दो बार हो चुका है, ये थर्ड टाइम था। इसके बाद मैं उनसे नहीं मंगाने वाली हूँ। सबसे पहले बता दूँ तो ये एक लेडी है, अननेसेसरीली कोई किसी और पे जाए उससे पहले बता दूँ, ये एक लेडी है जो यूट्यूब पर सेल करती है और बहुतों की फेवरेट थी। बहुतों की फेवरेट है, हाँ, मतलब फेवरिज्म तो बहुत चलता है यहाँ पे। कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही अच्छा देते हैं फ्री में, वो भी ताकि वो उनकी वाह वाह करे। मैंने तो पहले ही कहा था हम जैसे को नहीं देंगे, क्योंकि हम नए हैं, रेगुलर नहीं है। चलो कोई नहीं, ये लास्ट ऑर्डर थी मेरी। अब मुझे नहीं लगता मैं उनसे मंगाऊंगी कभी भी ज़िंदगी में, नो। अब उनमें थोड़ी सी गिल्ट होगी या कुछ होगी, तो वो खुद मुझे बोल देंगी। व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज तो कर दिया है, लेट्स सी। इट्स ओके, मैं वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करती ऐसे लोगों से, तो कोई बात नहीं। स्टे ट्यून्ड गाइस, हैव अ नाइस डे।